नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। पाक उच्चायोग बना जासूसी का अड्डा, 16 कर्मचारी जासूसी गिरोह में शामिल। भारत द्वारा जासूसी के लिए हाल में निष्कासित पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारी महसूद अख्तर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 16 अन्य कर्मचारियों के नाम लिए हैं जो कथित तौर पर जासूसी गिरोह में शामिल थे। जांच से अवगत पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस और गुप्तचर एजेंसियों की ओर से की गई संयुक्त पूछताछ में अख्तर ने दावा किया कि उच्चायोग के 16 अन्य कर्मचारी सेना और बीएसएफ की तैनाती संबंधी संवेदनशील सूचना एवं दस्तावेज निकलवाने के लिए जासूसों के संपर्क में है। अधिकारी ने कहा कि उसके दावों की अभी जांच की जा रही है और यदि यही सही पाया गया तो पुलिस मामले को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिख सकती है। अपराध शाखा की टीमें राजस्थान में छापेमारी कर रही है ताकि उन स्थानीय व्यक्तियों को पकड़ा जा सके जो अख्तर को गोपनीय दस्तावेज और सूचना मुहैया करा रहे थे। अख्तर कथित तौर पर जासूसी गिरोह चला रहा था। सूत्रों ने कहा कि अपराध शाखा की दो टीमें वर्तमान समय में अन्य गिरफ्तार आरोपियों मौलाना रमजान, सुभाष जहांगीर और शोएब के साथ राजस्थान में है ताकि उन अर्धसैनिक कर्मियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके जो उन्हें सूचना लीक करने में शामिल हो सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और वर्तमान में उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदेह है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी गिरफ्तार जासूसों के संपर्क में थे। सपा के राज्यसभा सांसद मुनव्वर सलीम के निजी सहायक फरहत खान को गत सप्ताह जासूसी करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारी यहां 26 अक्टूबर को गोपनीय दस्तावेज हासिल करते हुए पकड़ा गया था। पाकिस्तान उच्चायोग को आईएसआई का गढ़ बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी। आइए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। अमेरिका ने चेताया, भारत में हमला कर सकता है आईएस। दक्षिण कोरिया में बवाल, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को हटाया। जिंद रोहतक रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। बीएसएफ ने पाक रेंजरों की 14 चौकियां ध्वस्त की। रतन टाटा ने कहा कि जरूरी हो गया था साइरस मिस्त्री को हटाना।